बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम जो है वो नाइन्थ क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 2.1 है। उसके पहले दो क्वेश्चन तो हमने कर लिए थे, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपके ट्रू फॉल्स हैं वो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि वो हम क्वेश्चन सॉल्व करें और उम्मीद है कि आपको समझ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, आज हम एक स्पेशल टास्क है उस पर काम करेंगे, वो ये है कि नंबर लाइन पे फ्रैक्शंस को कैसे शो किया जाए। नंबर लाइन पे होल नंबर्स को या इंटीजर्स को तो हम शो कर सकते हैं, जिस तरह आप देखते हैं ये होती है नंबर लाइन, और इस नंबर लाइन पे जो सेंट्रल पॉइंट हम लेते हैं ये ओरिजिन होता है, और ये 1, 2, 3 ये पॉजिटिव इंटीजर्स राइट साइड पे लिखते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स -1, -2, -3 अप टू सो ऑन ये लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। ये तो हम नंबर लाइन पे देखते हैं, लेकिन आज हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 में सीखेंगे कि नंबर लाइन पे फ्रैक्शंस को कैसे शो किया जाए। सबसे पहले जो आपकी फ्रैक्शन है वो 2/3 है। आपने ये समझना है कि जो 2/3 फ्रैक्शन है ये ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। जितनी भी स्टूडेंट्स प्रॉपर फ्रैक्शन होती है वो लेस देन 1 होती है। इसी तरह 2/3 अगर आप कैलकुलेटर से इसको 2/3 से डिवाइड करें तो आपके पास 0.666 आपको सो आता है। ये नंबर जो है वो 0 से ग्रेटर है और 1 से लेस है। इसका मतलब इस फ्रैक्शन को 0 और 1 के दरमियान में ही आना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि इस फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे कैसे शो किया जाएगा। आप रिजन को किसी भी जगह रख सकते हैं क्योंकि लाइन जो होती है उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। ये हम ओरिजिन लेते हैं और यहाँ आप एक निशान लगाएं जो कि 1 है। अब आपकी फ्रैक्शन है 2/3, तो फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे शो करने के लिए सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है नीचे वाला, इसको आप 0 से लेकर 1 तक 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। जितना डिनोमिनेटर होता है इतने इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करें। आप अंदाजे से भी कर सकते हैं और 3 इक्वल पार्ट्स जो है मेजर करके भी कर सकते हैं। 0 से 1 के दरमियान 1, 2, 3 3 से 1 के। अब आपने फर्स्ट 2 पार्ट्स जो है वो फ्रॉम 0 राइट साइड पे सिलेक्ट करने हैं, 0 से 1, 2। तो ये आपकी फ्रैक्शन 2/3 जो है वो नंबर लाइन पे शो हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट इसका, वो है -4/5 -4/5 इसको नंबर लाइन पे शो करना है। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि ये नेगेटिव नंबर है, ज्यादा ये ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे आएगा और ये 4/5 भी 0 और -1 के दरमियान में आएगा। उसकी रीजन ये है कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 0.8 आती है जो कि यहाँ 0 से 1 तक 80% आती है। अब आप इसके 5 इक्वल पार्ट्स करें, जिस तरह पहली फ्रैक्शन में आपने देखा 3 इक्वल पार्ट्स किए और 0 से राइट साइड पे हमने 2 पार्ट्स को सिलेक्ट कर लिया। और राइट साइड पे मूव करने की रीजन क्या है कि आपकी फ्रैक्शन पॉजिटिव है और यहाँ जो फ्रैक्शन नेगेटिव है आप 0 से -1 की तरफ लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे और 5 इक्वल पार्ट्स बनाएं इसके 1, 2, 3, 4 और 5। अगर पार्ट्स 5 बनाने हैं तो लाइंस आप लगाएंगे 4, तो ये 5 गैप्स बनेंगे 1, 2, 3, 4, 5। 5 इक्वल पार्ट्स में से 1, 2, 3, 4 फोर्थ पार्ट को आप सिलेक्ट करेंगे और नंबर लाइन पे 4/5 जो है वो शो कर देंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है वो है 1/3/4 थर्ड पार्ट है 1/3/4 इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको स्टूडेंट्स याद रखें, आप लिख सकते हैं 1+3/4 1/3/4 एंड 1+3/4 इक्वल होते हैं। इसका मतलब फोर नंबर है 1 और 3/4 इससे एक्स्ट्रा है। तो अब आप इसको राइट साइड पे ही नंबर लाइन पे ये 0 है,
ये वन है इतने ही डिस्टेंस पे, ये टू बनाएंगे तो वन हो थ्री और फोर, इसका मतलब वन होल तक तो आप आ गए, थ्री और फोर वन और टू के दरमियान यहाँ पे लाई करता है, तो फोर इक्वल पार्ट बनाए, ये दो पार्ट हो गए, इनका हाफ करें तो ये चार पार्ट हो गए, तो अब थ्री ओवर फोर है, वन टू थ्री फोर, तो इसमें किसको सिलेक्ट करेंगे, थ्री को, आप थ्री को वन टू थ्री इसको आप सिलेक्ट करेंगे, तो ये वन होल नंबर एंड थ्री आउट ऑफ फोर, ये वन होल थ्री ओवर फोर आपका फ्रैक्शन में शो हो जाएगा डैश नंबर लाइन पे। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है माइनस टू होल फाइव ओवर एट, माइनस टू होल फाइव ओवर एट को हम नंबर लाइन पे शो करेंगे, ये है आपका फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर फोर का। जैसे कि क्लियरली नजर आ रहा है नेगेटिव फ्रैक्शन है आपकी, मिक्स फ्रैक्शन है, आप इसको समझ लें माइनस बाय रहने दें, टू प्लस फाइव ओवर एट, इसका मतलब टू होल एंड फाइव ओवर एट, लेकिन नेगेटिव साइड, तो आप यहां रिजल्ट शो करें ताकि आसानी हो, वन कितने डिस्टेंस पे टू और आगे थ्री, ये माइनस होगा माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, जो कि नेगेटिव साइड है लेफ्ट साइड पे, तो माइनस टू और फाइव ओवर एट माइनस वन माइनस टू यहां तक पहुंच गए, और जो फाइव ओवर एट है एक्सटर्नल पार्ट है एक्स्ट्रा है, और माइनस फाइव ओवर एट को यहां आप शो करेंगे माइनस टू और माइनस थ्री के दरमियान में, और कितने पार्ट्स बनाएंगे, एट पार्ट्स टू और थ्री के दरमियान में, आप आसानी के लिए वो चीज आप समझ गए होंगे, आप इसी को देखें माइनस टू और फाइव ओवर एट, ये माइनस टू होल और फाइव ओवर एट माइनस टू और माइनस थ्री के दरमियान होगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेस देन वन बनती है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, यहां से यहां के दरमियान में एट इक्वल पार्ट्स बनाएं, इसका मिड लें टू पार्ट्स हो गए, इनका मिड लें फोर पार्ट्स हो गए, और अब आप इनका मिड लेंगे तो ये एट इक्वल पार्ट्स बनते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और ये एट गैप्स है, और किसको सिलेक्ट करेंगे, फाइव को, और किस साइड पे मूव करेंगे, लेफ्ट पे, नेगेटिव नंबर्स लेफ्ट में मूव करते हैं ओरिजिन से, वन टू थ्री फोर फाइव, तो ये आप जो है वो यहां शो करेंगे माइनस टू होल फाइव ओवर एट, ये फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे शो कर देना, ठीक है। आगे टू होल थ्री ओवर फोर है फिफ्थ पार्ट, ये आप खुद करेंगे, असल जो नेक्स्ट पार्ट है सिक्स पार्ट, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, वो इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से भी, और वैसे भी आपको ये पता होना चाहिए, आपने शो करना है स्क्वायर रूट ऑफ फाइव को नंबर लाइन पे। इसको नंबर लाइन पे शो करने से पहले आपको बता दूं कि आप समझ लें पाइथागोरस थ्योरम को, इस पे पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल होगा, पाइथागोरस थ्योरम यह है कि किसी भी राइट ट्राइंगल में बिलफर्ज ये ट्राइंगल है ए बी और सी, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये राइट ट्रायंगल बनती है सी के अपोजिट साइड को सी से, ए के अपोजिट ए से और बी के अपोजिट बी से शो करेंगे, तो इस राइट ट्रायंगल में जो दो साइड्स परपेंडिकुलर होती हैं वो कंपैरेटिवली स्मॉलर साइड होती हैं एज कंपेयर टू दिस, ये 90 के सामने जो साइड होती है इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं और ये सबसे बड़ी साइड होती है, तो पाइथागोरस थ्योरम ये है जो कि आपका 15 थ्योरम है 9th की बुक में, वो ये कहता है इन एनी राइट ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी बड़ी साइड का स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर आप सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि अगर नंबर लाइन पे हम इस तरह करते हैं, ये है ओरिजिन आपका, ये है वन और ये है टू, इक्वल डिस्टेंसेस होते हैं, ये डिस्टेंस है वन ये है टू, तो अब आप इस टू डिस्टेंस जितना है इसके ऊपर जितना वन यूनिट है
इतनी लेंथ की हाइट का लाइन लगा दें तो ये 1 और ये 2 बनता है, यहां से यहां तक डिस्टेंस 2 और ये 1, तो ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस बनेगा। आप देख सकते हैं ये आपको राइट ट्रायंगल नजर आ रही है, ये इसका बेस है और ये इसका परपेंडिकुलर है, बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसमें आप इसमें 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अगर करें तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 आता है। इसका मतलब ये जो सी है हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्रायंगल, अगर आपका बेस 1 और परपेंडिकुलर 2 हो या बेस 2 और परपेंडिकुलर 1 हो तो आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो 5 आता है। तो ये हाइपोटेन्यूज आपका स्क्वायर रूट ऑफ 5 आएगा। अब यहां आप कंपास रखें, कंपास में पेंसिल डालें, यहां से यहां तक कंपास को ओपन करें और सर्कल की आर्क ड्रा करें। इस तरीके से आर्क ड्रा करेंगे, क्योंकि यहां से यहां तक रेडियस है तो यहां से यहां तक भी रेडियस है, ये इक्वल होते हैं। यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो स्क्वायर रूट ऑफ 5 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 5 को नंबर लाइन पे शो करने का ये तरीका है कि यहां आप 2 यूनिट्स मूव करें, 2 नंबर्स मूव करें, 2 इंटीजर मूव करें और जितनी 1 की लेंथ है इतनी लेंथ का परपेंडिकुलर ड्रा करें अपवर्ड 90 डिग्री के एंगल पे। तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो स्क्वायर रूट ऑफ 5 होगा। इसके लिए आप अल्टरनेट ये भी कर सकते हैं कि नंबर लाइन पे 0 1 और 2, अगर आप यहां से यहां तक जो है वो 1 यूनिट लेते हैं तो 2 यूनिट्स ऊपर भी जा सकते हैं। जितनी यहां से यहां तक लेंथ है इसकी डबल लेंथ यहां तक जाए, यानी ये 1 हो और ये 2 हो, तो फिर भी आपका जो हाइपोटेन्यूज है जहां जो भी वैल्यू पुट करें 2 इधर करें तो फिर भी स्क्वायर रूट ऑफ 5 आएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 आपका हाइपोटेन्यूज है। आप कंपास से यहां भी आप आर्क ड्रा करें तो आपकी आर्क सर्कल को यहां लेके आती है, ये भी आपका स्क्वायर रूट ऑफ 5 होगा। तो स्टूडेंट्स ये था फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे शो करना और इसके अलावा स्क्वायर रूट ऑफ 5 को नंबर लाइन पे शो करना। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे।